बागेश्वर धाम शक्तियां कितनी है ये सब लोग जानते हैं, लेकिन आज जो मैं बताने जा रहा हूं ऐसा आज तक शायद आपको किसी ने नहीं बताया होगा। और एक्चुअल में ये चीज हमारे समाज के अंदर ही चल रही है। क्या सनातन धर्म का डर नहीं है? चलिए, डर नहीं है ये बड़ी बात नहीं है, लेकिन मजाक समझा है क्या, ये एक बड़ा सवाल है। इसी के बारे में बात करेंगे, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। और अगर आप चैनल पर नए हों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको अपडेट भी सबसे पहले मिल सके। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि इन तस्वीरों में आप देख रहे हैं, एक महिला है और दूसरी तरफ हमारे बागेश्वर बाबा यानी कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बैठे हैं। ये महिला कोई भी अर्जी नहीं लेकर आई थी, एक्चुअल में ये सिर्फ और सिर्फ उनके दर्शन पाना चाहती थी। ये उनकी फैमिली है और ये भी उनका दर्शन ही पाना चाहती थी, यानी कि नो डिमांड और सिर्फ उनके दर्शन पाना चाहती थी। मैंने जो वीडियो देखा एक्चुअल में उसके अंदर लिखा हुआ था कि ये महिला वरमाला लेकर आई थी, और फिर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री गुस्सा हो जाते हैं इस महिला के ऊपर। मैं भी चकित रह गया कि ऐसे कोई कैसे माला ला सकता है। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने अभी तक शादी की कोई बात ही नहीं करी, और फिर भी अगर करी हो तो इस महिला के लिए तो नहीं करी होगी। मैं वीडियो देखने चला गया। जैसे मैंने वीडियो देखा, मैंने पाया कि ऐसा कुछ था ही नहीं उस वीडियो के अंदर। वो तो सिर्फ इसकी भगत है और उसके बाद उन्होंने माला जरूर दी थी, लेकिन उन्होंने पहना ही नहीं। उन्होंने प्रसाद दिया और अपने लिफाफे में माला दी और उसके बाद धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने पहनी और कुछ ही नहीं हुआ। मतलब फेक वीडियो दिखाया गया। वीडियो के अंदर कुछ भी नहीं था, टाइटल के अंदर लिखा हुआ था कि वरमाला पहनाई गई है। एक्चुअल में मैं भी यही टाइटल यूज इसलिए कर रहा हूं ताकि आप इस पर क्लिक करके सच्चाई को जानने की कोशिश करें। दोस्तों, इस तरह के वीडियो से बचिए, क्योंकि ये गलत कर रहे हैं लोग और ये सही है भी नहीं। क्या आपको भी ऐसा लगता है? अपने विचार कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए।